आशा कुमारी जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, बलबीर पाल शाह जी, जगदेव मलिक जी, दीपचंद भुलिया जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी का समय है मगर जोश आप में कम नहीं है, बहुत जोश है आप में। चुनाव 2014 का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सरकार आए तो वो सबकी सरकार हो, प्रगति आए, तेजी से प्रगति आए तो उस प्रगति का फायदा सबको मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए, कमजोर को मिलना चाहिए, दलित, ट्राइबल, सबको मिलना चाहिए। विपक्ष की सोच इंडिया शाइनिंग की सोच। 2004 में इन्होंने ये नारा इस्तेमाल किया, 2009 में इस्तेमाल किया और दोनों बार इस नारे को आपने उठा के बाहर फेंक दिया और कहा हमें इंडिया शाइनिंग नहीं चाहिए, हमें चमकता हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें आम आदमी की, गरीबों की सरकार चाहिए, कांग्रेस पार्टी चाहिए और आप लाए हमें। हमने काम शुरू किया, आपके पास आए, आपसे पूछा भाई बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, और आपने हमें बताया गरीबों को रोजगार दीजिए। हमने मनरेगा दिया, करोड़ों लोगों को इस प्रोग्राम का फायदा पहुंचा, हरियाणा में, बाकी प्रदेशों में। उसके बाद किसान आए हमारे पास और आपने हमें कहा कि देखिए हमसे जमीन छीनी जाती है, विकास की बात होती है तो हमसे जमीन एकदम छीनी जाती है, जो अमीर व्यक्ति होता है उसे मार्केट रेट मिलता है, हमें भी मार्केट रेट चाहिए। भट्टा परसोल में ये मुद्दा उठा था, वहां लड़ाई हुई, किसान मारे गए और हम लड़े और जमीनी अधिकरण बिल हमने आपको दिया। जमीनी अधिकरण बिल से किसान को फायदा पहुंचा और आज पूरे हिंदुस्तान में किसान को सही दाम पे जमीन मिलती है। बीजेपी के लोग खड़े हुए, विपक्ष के लोग खड़े हुए, दो साल इन्होंने इस बिल को रोकने की कोशिश की, स्टैंडिंग कमेटी में कोई ना कोई तरीका लेकर घुमाते 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 उन्होंने इसको मारने की कोशिश की, मगर हम लड़े और अंत में हमने आपको बिल दिया। गेहूं के दाम की थोड़ी बात करना चाहता हूं। एनडीए के समय दाम 60 रुपए, आपको 60 रुपए का फायदा हुआ और हमारे समय 760 रुपए फायदा आपको मिला। किसानों के लिए 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया और जब हमने कर्जा माफ किया बीजेपी के लोगों ने पूछा कि भाई पैसा कहां से आएगा, और जब हमने उनको दिखाया कि पैसा यहां से आएगा तो फिर उन्होंने सवाल पूछा कि भाई ये देखिए किसानों की मदद कर रहे हैं, पैसा जाया हो रहा है। जब किसान की मदद होती है, गरीबों की मदद होती है तो पैसा जाया होता है, जब बड़े लोगों की मदद होती है, किसी बिजनेस की मदद होती है तो उस पर बीजेपी के लोग कोई सवाल नहीं पूछते। उसके बाद भोजन के अधिकार की बात की, हमने हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके 1 रुपए अनाज का वायदा किया और इसको भी हमने पूरा करके दिखाया। पार्लियामेंट हाउस में हमने बिल पास किया और आज पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में, गरीब लोगों को बहुत कम दाम में भोजन मिलता है। अब सवाल उठता है 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या करेगी। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है, यह कोई कम नंबर, कोई छोटा नंबर नहीं, इतिहास में पहली बार इतने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मनरेगा, कर्जा माफी, भोजन का अधिकार, ट्राइबल बिल, इन औजारों ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है, 70 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के ऊपर है
और जो मिडिल क्लास के नीचे, ये कौन लोग हैं? ये बढ़ई है, सिक्योरिटी गार्ड है, ट्रक ड्राइवर है, नाई है, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, जो रोज अपना खून पसीना देते हैं और एक नए हिंदुस्तान का सपना देखते हैं। हम इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में लाना चाहते हैं। आने वाले 5 साल में इनको हम मिडिल क्लास में लाना चाहते हैं। कैसे हम लाएंगे? दो चीजों के साथ। सबसे पहले जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके दरवाजे इनके बच्चों के लिए खोलकर। और दूसरी बात, जो हमने कॉरिडोर की बात की, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात की, आजकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा चीन में होता है। जो आप कैमरा खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, वो आजकल चीन में बनता है। हम चाहते हैं कि जो आजकल चीन में बनता है, आने वाले समय में वो हिंदुस्तान में बने। हरियाणा का युवा उसे बनाए, हिंदुस्तान का युवा उसे बनाए और उसे रोजगार मिले। तो हमने दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर बेंगलोर और दिल्ली से लेकर कलकत्ता एक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। सड़कें बिछाई हैं, बिजली, पानी और रेलवे, डेडिकेटेड रेलवे कॉरिडोर बनाया। एक रीढ़ की हड्डी, मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी हमने तैयार की है और अब उस रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे उद्योग लगेंगे और लाखों युवाओं को इसका फायदा पहुंचेगा। हरियाणा में बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। महिलाओं की मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। 50% इस देश में महिलाएं। हम चाहते हैं कि महिलाओं को जगह मिले। लोकसभा विधानसभा में हमने आरक्षण का बिल रखा है। इस बिल को बीजेपी के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने हराया है। हम इस बिल को पास करके दिखाएंगे और आपको हम लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देंगे। पंचायती राज में हमने 50% आरक्षण दिया हुआ है और करोड़ों महिलाओं को हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बैंक से जोड़ा है। आने वाले समय में हम 2000 पुलिस स्टेशन आपके लिए खोलने वाले हैं हिंदुस्तान में, कि आपको भी लगे जब आपकी मुश्किलें होती है आप भी पुलिस स्टेशन में जा पाए और आपको भी महिला पुलिस स्टेशन मिले। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते हैं। उनके नेता कर्नाटक में जाते हैं और उनके दाएं साइड पे येदुरप्पा जी खड़े हो जाते हैं। येदुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के और उनको जेल जाना पड़ा, तब बीजेपी के लोगों को भ्रष्टाचार नहीं दिखता। मध्य प्रदेश में जहां माइनिंग माफिया का राज है, खनन माफिया का राज है, वहां इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। और जब इनके नेता गुजरात में कैबिनेट में बैठते हैं और वहां 3 उनके कैबिनेट मंत्री जो जेल जा चुके हैं उनके साथ बैठते हैं, तब उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। बाकी हिंदुस्तान में उनको भ्रष्टाचार दिखाई देता है। हम आरटीआई लाए और पहले जो बंद कमरों में रहता था, जो चीफ मिनिस्टर मंत्रियों के ऑफिस में छुपा रहता था, वो आपके हवाले कर दिया है, सूचना का अधिकार दिया और आप आज कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लोकपाल बिल कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई और 5 और बिल हमने पार्लियामेंट में रखे, बहुत मजबूत बिल जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई हो सके। मगर इन बिलों को बीजेपी के लोगों ने रोका, पास नहीं होने दिया। कहा कि भाई ये हमारे बिल नहीं है, ये राहुल गांधी के बिल नहीं है, ये आम जनता के बिल है, ये आपके बिल है और इन बिलों को भी हम पास करके दिखाएंगे। हरियाणा में हुड्डा जी ने किसानों की मदद की, दलितों को स्कॉलरशिप दी, सबको मिलकर सरकार चलाई और बहुत सारा विकास हुआ है हरियाणा में। सब लोग जानते हैं हरियाणा में क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है, कितनी प्रगति हुई है। बाकी प्रदेशों से आप बहुत आगे निकल गए। चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन दीजिए। यहाँ हमारे कैंडिडेट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको आप जिताइए, पार्लियामेंट हाउस में भेजिए,
इनकी जरूरत है लोकसभा में, आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें आप हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जिताइए, बाकी हिंदुस्तान में हम जीतेंगे और एक बार फिर गरीबों की सरकार, आम आदमी की सरकार, कमजोर लोगों की सरकार लाएंगे। आप सब दूर दूर से आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।